आपने अब तक अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा तो जरूर देखी ली होगी, और फिल्म में आपने ये भी देखा होगा कि कैसे पुष्पा लाल चंदन की तस्करी करता है। लेकिन आज जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं, उसमें आप देखेंगे कि कैसे असल जिंदगी में एक युवक पुष्पा फिल्म देखकर इतना इंस्पायर हो जाता है कि निकल पड़ता है लाल चंदन लेकर तस्करी करने। और तस्करी भी लाख दो लाख वाला नहीं, बल्कि पूरे 2.5 करोड़ की तस्करी। ठीक वैसे ही जैसे फिल्म पुष्पा में चंदन की तस्करी दिखाई गई है। गिरफ्तारी के बाद लोग कहते नहीं थक रहे हैं, मैं झुकेगा नहीं। वही लाल चंदन के तस्कर को पकड़कर पुलिस ने कहा, मैं छोड़ूंगा नहीं। बता दें, कुल 300 करोड़ के फिल्म में लाल चंदन की तस्करी दिखाई गई है। फिल्म की दीवानगी इस कदर है कि लोगों ने आगे आकर फिल्म की कहानी को अपनी तस्करी का प्लान बनाने के लिए इस्तेमाल किया। लाल चंदन की तस्करी करते गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम यासीन इनायतुल्ला है। उसे कर्नाटक आंध्र सीमा से महाराष्ट्र जाने वाले रास्ते में लाल चंदन की तस्करी करते हुए पकड़ा गया। यासीन के पास से पुलिस ने करीब 2.45 करोड़ रुपए कीमत वाली लाल चंदन की लकड़ी जब्त की है। वो पुष्पा की तरह ही लकड़ी लेकर राज्य की सीमा पार करने वाला था, लेकिन चौकन्नी पुलिस ने उसे धर दबोचा। यासीन महाराष्ट्र से सांगली जिले के मिराज नगर के गांधी चौक में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक दीक्षित गेदाम ने बताया, उन्हें गुप्त सूत्रों से लकड़ी की तस्करी की जानकारी मिली थी। इसके बाद उन्होंने वन अधिकारियों के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाते हुए जकात नाका पर छापा मारा। आरोपी 1 टन चंदन की लकड़ी लेकर भागने के फिराक में था। इसके साथ ही मौके से 10 लाख रुपए का एक ट्रक भी बरामद हुआ है। आरोपी ने खुलासा किया, उसने पुष्पा फिल्म देखकर लकड़ी की तस्करी का प्लान बनाया था। गौरतलब है कि बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, हर फिल्म और कहानी एक पॉजिटिव मैसेज देती है, लेकिन कुछ लोग उसके नकारात्मक विचार को अपना कर बड़े से बड़ा जुर्म करने निकल पड़ते हैं। ऐसा एक मामला सामने आने के बाद पुष्पा फैंस में खलबली मच गई है। क्या आप 10 से 20 हजार रुपए महीना अपने घर पर रहकर कमाना चाहते हैं? तो खोलें मिनी बैंक, अपने एरिया के लोगों को दे बैंकिंग सर्विस। सभी बैंकों का आधार कार्ड से निकासी, एटीएम से निकासी, सभी कंपनियों के मोबाइल, डीटीएच, रिचार्ज, पैन कार्ड जैसे अनेकों सर्विस। सीएसपी आईडी के लिए कॉल करें 7726006565 पर। सांगली जिल्ह्यामध्ये महात्मा गांधी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये चंदन सँडलवूड हे याची अवैध ट्रान्सपोर्ट व्हायची माहिती होत असल्याची माहिती पोलीस स्टेशनला मिळाली होती। त्या अनुषंगाने जकात नाका या ठिकाणी पोलीस आणि वन विभागाने एक जॉईंट ऑपरेशनमध्ये ट्रॅप लावला होता आणि त्याच्यामध्ये एक आपल्याला गाडी मिळालेली आहे कर्नाटका पासिंगची। त्यामध्ये जवळजवळ एक टन चंदन याच्यामध्ये मिळालेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये एक आरोपीला सुद्धा अटक करण्यात आलेली आहे। याच्यामध्ये चंदनाची किंमत जी आहे ती जवळजवळ 2,45,85,000 आणि 10 लाखाचं टेम्पो असं 2,55,85,000 मुद्देमाल या रेडमध्ये जप्त करण्यात आलेलं आहे। त्या अनुषंगाने महात्मा गांधी पोलीस स्टेशनमध्ये 379/34 IPC सोबत भारतीय वन अधिनियम 1942 कलम 41, 42, 66, 66 अ व महाराष्ट्र वन नियमावली 2014 नियम 82 व महाराष्ट्र वन अधिनियम कलम 129 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। याच्यामध्ये एका आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे। ही रेड आत्ताच झालेली आहे, गुन्हा आत्ताच झालेला आहे। याच्यामध्ये इतर कोणाचं इन्व्हॉल्वमेंट आहे किंवा कसे हे आम्ही तपासामध्ये निष्पन्न करणार आहोत। इम्प्युरिटी को ना, प्युरिटी को हाँ। महामारी में खुद को रखना है स्वस्थ, तो आज ही संपर्क करें एक्वा आरोटेक से। गोड्डा में आपके घर आकर देंगे प्योर वाटर का आश्वासन। जिस भी कंपनी के आरो को करते हैं आप पसंद, आपके एक कॉल पर हम करेंगे आरो को आपके घर में फिट। या हो गया हो आपका पुराना आरो खराब, हम करेंगे उसे रिपेयर। साथ ही सर्विस पर मिलेगी AMC की सुविधा। लेना लगवाना हो नया आरो तो आज ही संपर्क करें 9102166117 पर। यह सुविधा गोड्डा जिले